कि कुलस्त्रियो ही धर्म भीरवो भवन्ति। कुलस्त्रियां धर्म से डरने वाली होती हैं। तब उपेक्षया भाव निष्ठां निष्ठंके आमी, जरा से इनके हृदय का जो भाव है उसको जानने के लिए अब मैं एक काम करता हूं, मैं ऊपर से उपेक्षा दिखाता हूं। तब श्री राधिका की भाव निष्ठा और इन गोपियों की जो भाव निष्ठा है वो भाव निष्ठा सामने प्रकट होगी। और ऐसा कहकर के संद्रम अवनियो एकदम कांपते हुए, हाय हाय, ये क्या लिखा, ये मेरे लिए लिखा है क्या, ऐसा कहकर के संभ्रम माने भय उसका अभिनय करते हुए प्रकाशम हम हो पश्यत पश्यत, देखो तो देखो, देखो तो सही, ये गोपिकागण कितनी ढीठ है, आज मुझे भी ये निंदित करना चाहती हैं, ऐसे ऐसे पत्र मेरे पास में भेज करके, या यदि ये पत्र किसी के हाथ में पड़ जाए तो हाय हाय मेरी तो क्या दशा होगी, ऐसे दिखाते हुए कि ये गोपिकागण कैसे कितनी साहसी हैं और कितना साहसिक कार्य कर रही हैं। कि स्निग्धई ए भी सखी में अखिलई धेनु वृंदानुसारी नारी वार्ता विमुख हृदय कान नान्ते चरा माम स्वैरण्य तदपि यदि महा दूषयन्ति प्रकामं तद व्यज्ञप्तं दूत ने जरत गोप गोष्ठ्यां करिष्ये। श्री शांतनु कह रहे हैं कि देखो देखो, मैं तो अपने स्निग्धई ए भी सखी भी, अपने स्नेह युक्त इन सखी भी माने अपने साथियों के साथ सुवल मधमंगल इत्यादि मेरे जो सखा हैं जो मुझसे अत्यंत स्नेह करते हैं, ऐसे स्नेह करने वाले सखाओं के साथ में सदा रहता हूं। और धेनु वृंदानुसारी गैयाओं के पीछे पीछे गो सेवा करना ये मेरा कार्य है, धेनुवृंद उनका अनुसरण करने वाला और सखाओं के साथ में सदा रहने वाला। नारी वार्ता विमुख हृदय, और मैं तो परम ब्रह्मचारी हूं, नारी की वार्ता उससे सदा विमुख हृदय वाला हूं, नारियों की वार्ता भी मेरे यहां पर नहीं है, ये सारे सखा मेरे पास में विराजमान हैं। और कान नामते चरामी, मैं तो वन में निवास करने वाला, कोई विलास भवन में निवास करने वाला हूं नहीं, मैं तो वन में निवास करने वाला हूं। और हाय हाय, ऐसे प्रसिद्ध शास्त्र में जिसकी महिमा का गायन कहीं कहीं प्राप्त होता है गोपाल तापनी में, कि कृष्णो ब्रह्मचारी सर्टिफिकेट जिसको मिला हुआ है कृष्ण ब्रह्मचारी, और उसको मान स्वैरिण्य, ये स्वैरिणी मनमाना आचरण करने वाली गोपिकागण तदपि यदि मान दूषयंती, हाय मुझ जैसे ब्रह्मचारी को ये दूषित करना चाहती हैं, मेरे ऊपर दोष लगाना चाहती हैं, प्रकाम माने स्पष्ट रूप से अब इन गोपियों का इलाज करना पड़ेगा। इसलिए तब विज्ञप्ति द्रुत में जरद गोप गोष्ठ्याम करिष्ये, जितनी भी जरद गोपी हैं वृद्ध गोपीगण उनकी पंचायत आज ही बुला करके, वृद्ध गोपियों की पंचायत के बीच में उनकी गोष्ठी के बीच में इन गोपियों की विज्ञप्ति, इन गोपियों के शिकायत मुझे करनी पड़ेगी, और इनके ऊपर जो आरोप है वो लगाऊंगा कि देख लो ये सब मुझे बदनाम करने पर तुली हुई है, मुझे कुत्सा में डालने पर तुली हुई है। तो वृद्ध गोपियों की गोष्ठी में जाकर के आज ही इनकी विज्ञप्ति करूंगा, आज ही मैं कहीं पिटीशन दायर करूंगा, इनके विरुद्ध कहीं ना कहीं मैं अपनी प्रार्थना जरूर स्थापित करूंगा वृद्ध गोपियों की गोष्ठी में, अपनी जो प्रार्थना है विज्ञप्ति शिकायत वो प्रकट करूंगा। ऐसा कहकर के कृत्रिम अमर्षणों द्रुतम परिक्रामती, झूठ मूठ का क्रोध दिखाते हुए कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, ऐसे द्रुत इधर उधर कृष्ण हिलते जुलते दिख रहे हैं। मधमंगल बड़ी हंसी आ रही है, हृदय की बात तो जानने वाले हैं, जो सर वास्तविक बात है उसको तो जान रहे हैं, परंतु कृष्ण के इस नाटक को देख करके जो हंसी आ रही है उसको रोक करके मधमंगल कह रहे हैं,
कि भो ब्रह्मचारी शिरोमणि, हे ब्रह्मचारियों में मुकुटमणि, क्षण निवर्त्य हो, अरे जरा सा रुको रुको रुको, अभी इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लौटाओ लौटाओ। इमा दुर्मुख का गोपिका प्रत्युत्तरेण निर्जित्य हो, अरे वहां जाकर के शिकायत करने की जरूरत क्या है, पहले ये दुर्मुख जो गोपिकाएं हैं ना, मनचाही जो बात आई वो मुंह से कह रही हैं, मुंहफट गोपी, ये मुंहफट गोपी जो हैं, इनको यहाँ ही हम प्रत्युत्तर देकर के चुप कर सकते हैं, इनको तो उत्तर देकर के हम यहीं निर्जित्य जीत करके बिद्रावे, पहले तो इन गोपियों को भगाओ, फिर वहां जाने की जरूरत नहीं है। अहम खल एदम सर्वम धृष्टानाम वृत्तांतम, इन धृष्ट गोपियों के सारे वृत्तांत को मैं स्वयं जाकर के श्री गोकुलेश्वरी श्री यशोदा के सामने विज्ञापिष्यामि, मैं मैया के आगे इनकी सारी शिकायत मैं खुद ही कर दूंगा, कन्हैया तो तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर के पाणु धृत्वा व्यावर्त थी, हाथ पकड़ करके कृष्ण जो जा रहे थे उनको खींच करके, रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसा कहकर के कृष्ण को खींच करके मधुमंगल रोक लेता है, लौटा लेता है। उभे परस्पर अवेक्ष वैलक्षण नाटयति, दोनों एक दूसरे को देख करके उस समय लज्जा सा अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण उस समय विशाखा से बोले कि विशाखे चातुरक्षिकम प्रेक्षणम अपि नास्ति, तुम जिसका पत्र लाए हो पता नहीं जाने किसका पत्र है ये, किसने लिखा है, परंतु ये पत्र जिसने भेजा है उसके साथ में कभी मेरे चातुराक्षिक प्रीति भी नहीं हुई, माने चौ नजरा भी नहीं हुए, नयन भी नहीं मिले हैं, कभी मैंने उसको देखा, चातुराक्षिक कहने का तात्पर्य है कि उसका मैंने कभी अभी दर्शन भी नहीं किया है, अभी तो चार आंखें भी नहीं हुई है। सो चातुराक्षरम चातुराक्षिकम प्रेक्षणम अपि नास्ति, कभी तो अभी तो उस प्यारे उसके साथ में जिसका ये पत्र है उस पत्र लिखने वाले के साथ में मेरी आंखें भी चार नहीं हुई हैं। कुतस्तावत परितो रोधनम, परंतु इस पत्र में लिखा है कि मैं उसको सब ओर से रोक लेता हूँ, पत्र में कह रही है कि जो जो मैं, अरे सुंदर तुझसे दूर हटना चाहती हूँ क्यों क्यों तू मुझे रोकता है, तो मैंने कब रोका भैया, मैंने तो कभी चातुराक्षिक प्रीति भी नहीं हुई, कभी चौनजरा भी नहीं हुए हैं, जो पत्र लिखने वाली है उसके साथ में। तब अनुयामी, इससे मुझे एक अनुमान होता है कि केनापि अपरेण नागरेण तस्या स्वांतम उच्चारितम, हो सकता है किसी अपर किसी अन्य सुंदर ने तुम्हारी सखी के हृदय को चंचल कर दिया है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ये जो पत्र है उसके साथ में मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये जो पत्र है वो तुम्हारी सखी को किसी अपरेण नागरेण तस्या शांतम उच्चालितम, किसी अन्य नागर ने उसके चित्त को चलाया है। विशाखा जी उस समय उत्तर देती हुई कह रही हैं, वह श्याम सुंदर मेरी सखी श्री राधिका उनके चित्त को चला देने वाला तुम्हारे अतिरिक्त क्या विश्व में कोई पैदा हुआ या होगा, कभी संभव ही नहीं है, श्री राधिका के चित्त को आकर्षित करने वाला कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये पत्र का हम जो लाई हैं वो ठीक जगह पर लाई हैं, गलत जगह नहीं लाई है। विशाखा जी इसी भाव को कह रही हैं, श्लोक देखिए, कस ताद्रक ब्रजमंडलेत वलते, कौन ऐसा व्यक्ति ब्रजमंडल में वलते माने समर्थ होकर के विराजमान, ऐसा है कोई व्यक्ति इस पूरे ब्रजमंडल में जिसमें ये सामर्थ्य हो कि शक्यो गरियान असौ, जो कि इतना
गडियान होकर के, गौरवशाली होकर के विराजमान हो। तो कस्तात्र ब्रजमंडलेत बलते शक्य, कौन ऐसा शक्य माने बलवान व्यक्ति, ऐसा गरियान व्यक्ति, गौरव से युक्त व्यक्ति इस ब्रजमंडल में बलते विराजमान है, ताकत युक्त होकर के विराजमान है। कि ये नो चाले तुम बलात् कुलवती चेतो गृह ग्रामणी, कि कुलवती श्री राधिका के चित्र रूपी गृह ग्रामणी पर्वत समूह को, श्री राधिका का चित्त एक ऐसा पर्वतों का सुमेरु पर्वत है, जैसे सुमेरु पर्वत कई पर्वतों से घिरा हुआ है, इलावृत जम्बद्वीप के बीच में चतुष्कोण इलावृत खंड है, जम्बद्वीप के 9 खंड हैं, उनमें पहला खंड है इलावृत खंड, तो बीच में चतुष्कोण इलावृत खंड है, इलावृत खंड के बिल्कुल बीच में सुमेरु पर्वत है, जो सुमेरु पर्वत नीचे से 16,000 योजन छोटा और ऊपर से 32,000 योजन चौड़ा है, तब तो गिरता होगा, बोले गिरेगा नहीं, उसको रोकने के लिए अटोकना के रोक के 4 पर्वत चारों ओर लगे हुए हैं, मंदर मेरु मंदर सुपार्श और कुमुद, ये 4 पर्वत चारों ओर लगे हुए हैं। अब वो 4 पर्वत भी कहीं बिखरेंगे, वो 4 पर्वत ऊपर जाकर के जो फैला हुआ भाग है उसको डाटे हुए हैं, इसे सुमेर पर्वत नीचे से सकड़ा होने पर, ऊपर से चौड़ा होने पर भी गिरता नहीं है, क्योंकि वे 4 पर्वत उसको रोके हुए, रो के रूप में बल्ली के रूप में वे लगे हुए हैं। अब उन पर्वतों को भी कहीं खिसक नहीं जाए, उनके लिए भी उस सुमेर पर्वत के चारों 20 अवस्तंभ गिरी रोकने के, जो अटोकना के पर्वत हैं वो चारों ओर उनके भी घेरा लगा हुआ है, तो वे 4 पर्वत भी पूरी तरह से घिरे हुए बंधे हुए हैं। और ऐसा जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत के शिखर के ऊपर आकाश से विष्णुपदी गंगा गिरती हैं, और जब गंगा गिरती हैं तो वे चारों दिशाओं में बहती हैं, सीता अलकनंदा चक्षु और भद्रा, ये 4 उनकी धाराएं हो जाती हैं। इनमें श्री अलकनंदा दक्षिण की ओर बहती हैं, और दक्षिण की ओर बहकर के वे ही हिमालय पर होती हुई श्री गंगा होकर के वह दक्षिण समुद्र में विराजमान होती हैं, पूर्व दक्षिण समुद्र में विराजमान होती हैं। तो पंचम स्कंध में श्रीमद् भागवत में जो क्रम वर्णन किया गया उसी की ओर संकेत करते हुए कह रही हैं कि मेरी जो सखी है वो सखी ऐसी है जिसका के बलात् कुलवती चेतो गृह ग्रामणी, कि सुमेर पर्वत के जो पर्वत समूह हैं उसके समान जिसका चित्त विराजमान है। अब बताओ सुमेर पर्वत के उन पर्वतों को कोई डिगा सकता है, उनकी बनावट ही इतनी सुपुष्ट है कि उसमें से एक कंकर भी कहीं गिर करके बिखर नहीं सकता है, क्योंकि उसको इस प्रकार रोका हुआ है। ऐसा वो तो चेतो चाले तुम, उस राधिका के चित्त को चलाने में बलपूर्वक, किसको चलाने में, चेतो गृह ग्रामणी, चित्त रूपी गिरी माने पर्वत के ग्रामणी माने समूह को चलाने में कौन समर्थ हो सकता है, कह बलते किसमें सामर्थ्य है। इति अस्माभि अवक्र विक्रम बला उत्क्षिप्त गोवर्धनः हेतुस्त्वं किल पंकजाक्ष यद्विज सत्रास निष्टंकितः। इति माने ये विचार करते हुए अस्माभि माने हम सब सखियों ने यही निर्णय किया है, इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि अवक्र विक्रम लवात उत्क्षिप्त गोवर्धना, जिन्होंने अवक्र विक्रम माने स्वाभाविक पराक्रम से, तुम्हारा पराक्रम टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, अवक्र माने सीधे, अवक्र विक्रम वक्र जो नहीं है, ऐसे पराक्रम को प्रकट करते हुए उत्क्षिप्त गोवर्धना, जिसने गोवर्धन को सरलता से उठा लिया, ऐसे तुम्हारे अतिरिक्त हेतुस्वम
तुम ही मेरी सखी के चित्त को चंचल करने में समर्थ हो, क्योंकि तुम्हारे पूर्व चरित्र से ये पता लगता है कि पर्वत को उठाने की सामर्थ्य किसी को नहीं है, पर्वत को हिलाने की सामर्थ्य नहीं है। तुमने क्योंकि गोवर्धन को उठा लिया था, इसलिए मेरी सखी के चित्त रूपी पर्वत को भी उठाने में, चलाने में केवल तुम ही समर्थ हो। जैसे जो बदनाम चोर है वो सबसे पहले पकड़ा जाता है, ऐसे ही तुमने क्योंकि कई बार पर्वत, तुमने गोवर्धन पर्वत को उठाया, इसलिए पर्वत उठाने में, पर्वत को चंचल करने में तुम ही एकमात्र समर्थ हो, ये पूर्व सिद्ध है। और पूर्व सिद्ध होने के कारण हमारी सखी के चित्त को चंचल कर सकने में कोई दूसरा व्यक्ति कभी भी पराक्रमी हो ही नहीं सकता है, तुम ही एकमात्र पराक्रमी हो। इति माने ऐसा अस्माभिः, माने हम लोगों ने निष्टंकिता निर्णय कर लिया है, निष्टंकिता माने निर्णय कर लिया है कि अवक्र विक्रम लवात, तुम्हारा सहज जो पराक्रम है उसके लव मात्र से ही, बिना ज्यादा प्रयत्न किए ही, लव माने जरा सी एक बूंद, उतने मात्र से ही उत्क्षिप्त गोवर्धन, तुमने जैसे सरलता से गोवर्धन को उठा लिया, तो हमारे सखी के धैर्य रूपी सुमेर को भी हिलाने वाले केवल तुम ही हो सकते हो, कोई दूसरा उनके हृदय को हिला नहीं सकता है। अतः हेतुस्त्वम श्री सखी के गृह ग्रामणी चालय तुम, हेतुस्त्वम उनके हृदय रूपी पर्वत को हिलाने में तुम ही एकमात्र कारण हो। हे पंकजाक्ष, हे कमल सनी के नेत्र वाले, यद विस्तत्रास निष्टंकिता, तुम सखाओं के साथ में युक्त होकर के, यद भी सखाओं के साथ युक्त होकर के तुमने गोवर्धन उठाया, ये हमने निष्टंकित, ये अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि हमारी सखी को के चित्त को भी हिलाने में तुम ही समर्थ हो। जैसे तुमने सखाओं का साथ लेकर के गोवर्धन को हिलाया, इसी प्रकार अब भी हम सखी सखा इनका साथ लेकर के श्री राधिका उनके प्रेम को तुम वाहन करते हुए विराजमान होगे, ये कहने का तात्पर्य है। हम सब सखी यदु भी कहकर के ये दिखला रहे हैं कि हम सब सखाओं की सहायता भी, सखा सखी इनकी सहायता भी तुमको इस विषय में सहज प्राप्त है। जैसे गोवर्धन उठाने में सब सखाओं की सहायता प्राप्त थी, इसी प्रकार यहाँ पर भी प्रिय नर्म सखा और हम सखीगण, इन सबों की सेवाएं श्री राधिका मिलन में सर्वदा सर्वदा समर्पित हैं, उपस्थित हैं, और हमारी सखाओं सबकी सेवा के साथ में तुम श्री राधिका के साथ में मिलन प्राप्त करो, ये यदुही शब्द के द्वारा कहीं संकेत संकेतित कर दिया। इत्यस्मा भी हम लोगों ने, और यदु भी माने जितनी भी गोपीगण हैं, उन सब गणों ने निष्टंकिता माने ये निर्णय किया है कि तुमने जैसे गोवर्धन उठाया, ऐसे ही श्री राधिका के चित्त को चलाने में तुम ही समर्थ हुए होगे। दोबारा सुन ले, कह माने इस संसार में ऐसा कौन है, तांत्रिक ब्रजमंडली, इस ब्रजमंडल में ऐसा कौन है, वलते माने जो समर्थ हो, शक्य गिरियान असौ, जिसमें गरियान जो परम गौरव से युक्त हो, और शक्य माने ऐसा कौन संभव है, बलते शक्य, ऐसा कौन बलवान है, और शक्य माने समर्थ है, कि ये उच्चाले तुम बलात् कुलवती चेतो गिरिग्रामणी, कुलवती श्री राधिका के चित्त रूपी सुमेर पर्वत को उच्चाले तुम हिलाने में भी जो समर्थ हो, ऐसा संसार में तो उच्चालय तुम बलते, राधिका के चित्त को हिलाने में जो बलवान हो, ऐसा कौन शक्य है, कौन समर्थ है। तो राधिका के चित्त रूपी पर्वत को हिलाने में कह ब्रजमंडल में बलते, ब्रजमंडल में कौन समर्थ है, किसमें शक्य गरियान,
इसमें ऐसी गरियान शक्ति विराजमान, वलते ये क्रिया है। इति अस्माभि निष्टंकितः, ऐसा हमने निर्णय कर लिया है, क्योंकि तुमने ही अवक्र विक्रम अपने सहज पराक्रम के द्वारा उक्षिप्त गोवर्धन गोवर्धन को उठाया था, अतः तुम ही हेतुस्वम श्री राधिका के चित्त को चंचल करने में तुम ही एकमात्र हेतु हो। हे पंकजाक्ष, हे कमल के समान नेत्र वाले सुंदर, तुम ही एकमात्र कारण हो। तत्र असी, तत्र माने राधिका के चित्त को चंचल करने में तुम ही एकमात्र कारण हो। मधुमंगल कह रहे हैं कि अई बाचाल्य के तिष्ठ तिष्ठ, अरे बड़बड़ करने वाली ललता ठाड़ी रहे ठाड़ी रहे। दृष्टो मया उत्क्षिप्त दंड मंडलई गोपई गोवर्धनो धृता, तू कह रहा है कन्हैया ने उठाया, कन्हैया ने कहा उठाया, हम नहीं होते तो कन्हैया गोवर्धन उठा लेता क्या, हमारा नाम भी नहीं ले रही है। और कह रही है दृष्टो मया, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उक्षिप्त दंड मंडलई सारे सखाओं ने अपनी लौठिया लगा करके गोवर्धनो धृता गोवर्धन धारण कर रखा था। तुम कस्मात एकमे प्रियवस्यम संभावेसि, तू अकेले केवल मेरे सखा उनको ही आदर दे रही है, हमारा तो जैसे कोई कीमत ही नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने भी तो लठिया लगाई, हमारा तो नाम ही नहीं ले रही है। कृष्ण इस बात को सुनते ही नहीं है और कहते हैं ललते ये ब्राह्मण की बात जाने दो, अलम अति प्रसंगे नो, यहाँ पर ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, इस पत्रिका को लेकर के कोई बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो निवर्तस्व यहां से लौट जाओ लौट जाओ। ललिता जी कह रही हैं कि सुंदर सर्व गोकुल सुख कारणों की पुत्र कथम सा एक ही दुखम अर्हती, बोले तुम तो संपूर्ण गोकुल को आनंद देने वाले हो, गोकुलानंद हो, तुम्हारा एक नाम है गोकुलानंद, संपूर्ण गोकुल को सुख देने वाले हो, क्या राधिका गोकुल में नहीं है, क्या गोकुल के बाहर है, क्या वृक्ष के बाहर, सोत्तम मन तुमसे सा एक ही दुख महारती, वो श्री राधिका अकेले दुख पाने की अधिकारिणी है क्या, वरी ऐसी दुखम अर्हती, वो तो राधिका तो वरी ऐसी होकर के परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है, दुख मरहते वरीयसी, वो श्री वरीयसी राधिका ही क्या दुख को प्राप्त करने की अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कोई नहीं नहीं सो बात नहीं है, परंतु तुम समझती नहीं हो। ललिता जी से कह रहे हैं श्री कृष्ण, बोले देख नहीं रही हो, संगो में मधुमंगलो न सहते धर्माध्वनो विच्युति, कि ये मेरा जो मित्र मधुमंगल है ना, ये तनिक भी धर्म अध्वन धर्म मार्ग से यदि मैं जरा भी विच्युति प्राप्त करता हूं, जरा भी खिसकता हूं, तो ये मेरा मित्र इसको सहन नहीं कर सकता है, मेरे ऐसे संग को तनिक भी सहन नहीं कर सकता है। ये मित्र संगों में मधुमंगला, मेरे संग में सना मधुमंगल है, और ये मधुमंगल न सहते धर्माध्वनो विच्युति, मेरी तनिक मात्र भी धर्म मार्ग से शिथिलता इसको सहन नहीं है, ये उसको सहन नहीं कर सकता है, यदि मैं जरा भी धर्म मार्ग से अलग हूं तो ये सहन नहीं कर सकता है, और मेरे साथ में दूसरी ओर एक लगा हुआ है मेरा दूसरा मित्र, वो इतना खतरनाक कि श्री रामा पर मार्गेन मम नहीं छिद्राणि निद्रायति, वो मेरे दोषों को ढूंढने में सदम इतना तत्पर रहता है कि रात को सोता भी नहीं। ये एक तो मेरा मित्र है, एक और ये मित्र खड़ा हुआ है मधुमंगल, जो धर्म से जरासी भी मेरी फिसलन होती है तो उसको सहन नहीं करता है, दूसरी ओर श्रीदामा परमार्गेन, श्रीदामा नाम करके मेरा एक दोस्त है मित्र है जो परमार्गेन माने सना ढूंढता रहता है, मम नहीं छिद्राणी मेरे छिद्रों को, और नहीं निद्रायती वो
मेरे छिद्रों को ढूंढने के चक्कर में पट्ठा सोता भी नहीं है। नंद वो तो सोता भी नहीं है, सदा ढूंढता रहता है कहां कन्हैया गलती करे और कहां उसको टोक। और फिर डर भी लगता है, कंस शस्ते खलक्षते, कंस इस समय पूरे इस माथुर मंडल के ऊपर शासन करने वाला है, और यदि कोई कंस को खबर कर दे कि कोई अनुचित कार्य कर रहा है तो कंस दंड देने के लिए भी, तो राज दंड का भी भय है। सो कंस शास्त्री क्षति, पृथ्वी के ऊपर कंस दुष्ट खल कंस शास्त्री, कथम अतो मुग्धे विधे मया, अरे मुग्धे अरे भोली ललता तू ही बता, इतने सारी पहरेदारी जहां पर लगी हुई है वहां पर मेरे द्वारा निशंक होकर के कुल सुंदरी परिभव ज्वाला महास्वार साहसम, कुल सुंदरियों को परिभव पराजित करने की अग्नि को छूने का महासाहस कैसे किया जाएगा। कुल सुंदरी माने राधा जैसी जो कुल सुंदरी हैं, उनको परिभव माने उनको पराजित करने वाली जो ज्वाला है उनका परिभव, उनको पराजित करने का काम वह एक अग्नि के समान है, उस अग्नि के साथ में मैं कैसे खेल सकता हूं। इतनी जहां पर बंदिशें हैं, इतनी जहां पर बाधाएं हैं, वहां पर श्री राधिका को परिभव माने पराजित करने की अग्नि के साथ में, पराभूत करना ही अग्नि है और उस अग्नि के साथ में खेल कौन करेगा। ऐसे महासाहस को निशंक करने में मैं समर्थ हूं ही नहीं। दोबारा, संगों में मधुमंगला, मधुमंगल मेरे साथ में रहता है और न सहते धर्म अध्वना विच्युति, धर्म अध्वन माने मार्ग, उससे विच्युति माने मेरा अलग हटना वो कभी सहन करता नहीं है। और श्री रामा परमार्गेन, और श्री रामा सदा ढूंढने के लिए तैयार रहता है मम छिद्रानि, मेरे दोषों को, और उनको ढूंढते हुए नहीं निद्रायती वो सोता नहीं है। और कंस शास्त्री खला खला कंस क्षतिम शास्त्री, दुष्ट कंस पृथ्वी के ऊपर शासन कर रहा है। अब बताओ अरे मुग्धे, मैं कैसे विधेयम कैसे कर सकता हूं, आज कुल सुंदरी गणों को अपमानित या पराजित करने की, पराजित करना वही मानो अग्नि का खेल है, ऐसे अग्नि के खेल खेलने का साहस मैं कैसे कर सकता हूं जिसके कारण कुल रंगीगण पराजित हो सके। ऐसा साहस बन उनके साथ में अनुचित व्यवहार तो मैं कभी कर ही नहीं सकता हूं। ललता जी उसमें क्रोध करते हुए कह रही हैं, आंख दिखाती हुई कि श्याम सुंदर अंत क्लेश कलंकिता किल वयम यामोद्य याम्याम पुरी, अपने हृदय की वेदना से अंत क्लेश के कारण कलंकित माने व्याकुल होकर के, हृदय के क्लेश से व्याकुल होकर के वयम यामोद्य याम्याम पुरी, आज ही हम यम लोक को चली जाएंगी माने मृत्यु लोक को स्वीकार कर लेंगे, हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। याम हमारे जाएंगे अद्य माने आज, याम्याम माने यमधर्म राज की पुरी को, याम्याम पुरी यमधर्म राज की पुरी को आज ही हम जाने के लिए तैयार हैं। पंत नायम वंचय वंचन संचयम प्रणयनम हासम तथा पिज्जति, पंत जान गए तुम अयम माने तुम, ये जो तुम हो ये वंचन संचय प्रणयनम हासम, उस हंसी को कभी नहीं छोड़ोगे जो ठगने के लीला से ही प्रेम करने वाली है, अर्थात हमको ठग कर के प्रेम करने वाले वंचन उनका संचय माने समूह, उससे प्रेम करने का करने वाला जो हास है, अर्थात जिस हास के द्वारा तुम हमको वंचित करते हुए विराजमान हो, उस हास को तथा पिज्जति तुम नहीं छोड़ोगे। हम जानती हैं कि भले हम मर जाएं परंतु तुम इतने ढीठ हो कि तुम अपनी हंसी करना नहीं छोड़ोगे, ये उलाहने की भाषा है, प्रमदाओं की उलाहने की भाषा, अंत में तो यही होगी विवश होकर के
श्री ललिता जी परम कोमल हृदय, वे घबरा करके अंत में ये कहेंगे वे श्याम सुंदर जान गए हम मरती हैं तो मरिया, परंतु तुम अपना हंसी नहीं छोड़ोगे, अरे अब तो विचार करो हमारी क्या दशा होने वाली है। मन इसी भाषा का प्रयोग कर रही है कि हम मरे तो मर जाए, तुम अपनी हंसी नहीं छोड़ोगे। तो अंत क्लेश कलम कलंकता हृदय में क्लेश धारण करके भले ही वयम यामोद्य याम्यापुरी हम कहीं भी चली जाए, परंतु तुम अपनी वंचन करने की ठगने की जो हास्य की पद्धति है उसका त्याग मत करना, भले हमारा जो हो सो हो जाए। नायम वंचन संचय प्रणयनम हासम, वंचन के माने ठगने के, संचय माने समूह, ठगाई का जो समूह है उससे प्रीति रखने वाले अपने हास करने की प्रवृत्ति का तुम तथा उज्जति न उज्जति तुम त्याग नहीं करोगे। अस्मिन संपुटते गंभीर कपटई आभीर बल्ली पिटे, ऐसा कहकर के आकाश की ओर देख करके कह रही हैं कि अरे सखी राधिके हाय तूने किस छलिया के साथ में प्रीति कर ली। श्री विशाखा जी एकदम, ललिता जी एकदम व्याकुल, ये नाटक नहीं है, ये उनकी व्याकुलता है, वास्तव में व्याकुलता है। और श्री ललिता जी की एक बड़ी भारी विशेषता है कि कभी श्याम सुंदर के साथ में जब बातचीत होगी तब तो खूब झगड़ा करेंगे, एकदम परम वीर वीरांगना बन करके भिड़ जाएंगे और श्याम सुंदर से पंगा लेने के लिए पूरी तरह तैयार, परंतु जरा सी भी आपत्ति आए तो ललिता इतनी भोली थी, हृदय की इतनी भोली है कि एकदम घबरा जाती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, हाय अब क्या करें, एकदम बिल्कुल हतोत्साहित नर्वस हो जाती, एकदम घबरा जाती, एकदम हतोत्साहित होकर के कह रही हैं कि अस्मिन संपुटते गंभीर कपट ही, जो गंभीर कपट से ही संपुटित माने लिपटा हुआ है, ये श्याम सुंदर जो गंभीर कपट की प्रवृत्ति से ही सर्वदा लिपटे हुए हैं, ऐसे कपटी के साथ आभीर पल्ली बिटे, गोपों के गांव का जो बिट है, बिट माने उपपति, गोपों के गांव का जो चंचल पुरुष, बिट कहते हैं चंचल पुरुष, उस गोप गांव के, गोकुल गांव के इस चंचल पुरुष के साथ में, इस बिट के साथ में, अरे राधिके भोली भाली तूने कहां पर प्रीति कर ली, हे मेधावनी तू तो बड़ी चतुर थी, ये आरोप के उल्हाने के वचन है, अरे बुद्धिमान, अरे बुद्धिमती तूने किससे प्रीति